चेहरे और घोड़ी की जगह मास्क और सैनिटाइजर संग अपनी दुल्हन लेने करनाल के अर्जुन गेट पहुंचा दूल्हा। ना बैंड बाजा ना बारात, कोरोना वायरस ने बदल दी सबकी सूरत हाल। जी हाँ, कोरोना महामारी से बचाव के चलते देश के सभी हिस्सों में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे लोगों की दैनिक दिनचर्या पर बड़ा असर पड़ा है। भारत जैसा देश में जहाँ विवाह को एक संस्कार माना जाता है और खूब धूमधाम से विवाह रचाया जाता है, उसकी रौनक पर भी कोरोना अपना असर दिखा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ करनाल के अर्जुन गेट में सम्पन्न हुआ, एक विवाह समारोह में देखने को मिला। पानीपत के ग्राम पिचपड़ी निवासी अरुण का विवाह करनाल के अर्जुन गेट निवासी नैन्सी के साथ आज होना निश्चित हुआ था। सभी परिवारजनों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में पहुंचते पहुंचते लॉकडाउन खुल जाएगा और धूमधाम से शादी संपन्न हो सकेगी, परंतु परिवार और दोस्तों के सारे अरमान मन में ही रह गए। लॉकडाउन के तीसरे चरण में केवल 5 सदस्यों को प्रशासन ने विवाह में शामिल होने की अनुमति दी, जिसके चलते उनके साथ अपनी दुल्हन के घर पहुँचा युवक अरुण। दूल्हे अरुण ने अपनी बातचीत में बताया कि निश्चित रूप से उसके मन में विवाह को लेकर बहुत सारे दोस्तों के मन में बहुत सारे अरमान थे, फिर भी देशहित को देखते हुए उसे कोई अफसोस नहीं है और वो सारे जिंदगी इस विवाह को विधि पूर्वक पूर्ण करने में सहयोग के लिए प्रशासन का आभारी रहेगा। वहीं दूल्हा दुल्हन के परिजनों ने बताया कि कोरोना के चलते लॉकडाउन ने विवाह की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। अब इस प्रकार के हालातों में जैसे भी प्रशासन द्वारा नियमों के तहत शादी करने के निर्देश दिए हैं, उसकी पालना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एवन हरियाणा। अंकल जी क्या कहेंगे 5 मई की आपकी बेटी जो नैन्सी, ताऊ लगते हैं आप जी, तो आपकी बेटी जो नैन्सी की शादी हो रही है, बारात भी कम आई है, तो क्या कहेंगे? लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है जी। 5 बराती हैं, 5-4 घर के लोग हैं, बाकी फिर आप मीडिया वाले जैसे सरकार के हाथ में मतलब है तो उसी का पालन कर रहे हैं। तो अरमान थे शादी करने का कि बारात बैंड बाजे के साथ बारात आएगी, दूल्हा घोड़ी पर आएगा, तो अरमान थे बहुत ज़्यादा। वो तो हर आदमी के होते हैं, हमारे भी थे, जैसे हो सकते होंगे, पर बाकी अब हालात को देखते हुए ऐसा नहीं हो सकता ना। तो और लोगों को क्या कहेंगे इसी तरह का, और लोगों को क्या कहेंगे, और लोग समाज के और भी लोग हैं, लॉकडाउन है, इसी तरह शादी किस तरह होगी? भले ऐसे 5 लोग बुलाओ, अपना बेटी को विदा करो, अपने घर से रहते हैं जो प्रशासन के उसके। हाँ जी अंकल जी, क्या कहेंगे आप पानीपत से अपने बेटे अरुण की बारात लेकर आए हैं, अरमान होंगे लोगों के, कितने लोग पहुंचे हैं करनाल? ऐसे सर जी, हमारी जो लड़के की शादी तय थी वो पहले हमने फिक्स कर रखी थी 5 मई की जी। इस लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए, वो तो दूसरा अपने भारत के अंदर भी ये कोरोना वायरस चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने पानीपत से अपने DC ऑफिस से अपने प्रशासन से परमिशन लेकर हम 5 अपने लोग जो हैं वो अपने लड़के को ले के मैं यहाँ करनाल के अंदर शादी करने के लिए आया हूँ। और मैं यहाँ अपने पानीपत डिस्ट्रिक्ट के पास एक मेरा छोटा गांव है बिचपड़ी, वहाँ से मैं इन 5 बंदों को लेके शादी करने के लिए यहाँ करनाल अर्जुन गेट के पास आया हूँ। तो क्या घर में पहली शादी है? नहीं, शादी तो पहली मैं लड़की की भी हो चुकी है, ये मेरे दूसरे बड़े लड़के की शादी है, उसके बावजूद मैं अपने छोटे लड़के को भी वहाँ छोड़ के आ गया हूँ, सिर्फ इसी लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हैं कि अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बना के और अपने सैनिटाइजर लेके अपने गाड़ी लेके वो लड़के को अपने शादी करने।